हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों ने किया प्रदर्शन। MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में गुरुवार को सुबह छात्रों ने घोषित किए गए परीक्षा परिणाम के खिलाफ आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कॉलेज के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया और नारेबाजी की। उनका कहना था कि कॉलेज प्रशासन ने सेकेंड सेमेस्टर में करीब 80% से अधिक विद्यार्थियों को फेल कर दिया है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश पंचारिया ने बताया कि MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड सेमेस्टर का हाल ही में परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें एक ही नंबर से करीब 80% से अधिक विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण कर दिया गया है। कॉलेज प्रशासन ने इसमें मनमाने तरीके से विद्यार्थियों को नंबर देकर अनुत्तीर्ण किया है। इसके विरोध में गुरुवार को सुबह विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कॉलेज का प्रवेश द्वार बंद कर दिया और सभी विद्यार्थियों और स्टाफ कर्मियों को बाहर ही रोक दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से समझाइश की। बाद में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने कॉलेज डीन को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कॉपियां वापस चेक करने और उन्हें उत्तीर्ण करने की मांग की है। सेकंड सेमेस्टर के MBM के छात्रों का रिजल्ट आया, जिसमें 100 नंबर के पूर्णांकों में से लड़कों को एक ही नंबर से 80% से ज़्यादा संख्या में छात्रों को फेल कर दिया गया, तथा जो हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसका और हमारे एक ये MBM इंजीनियरिंग कॉलेज का शिक्षा प्रणाली का सिस्टम अलग है, जिससे यहाँ हर साल छात्रों का 200 से 250 छात्रों का कैरियर बर्बाद होता है और एक साल की बैक लगती है, जो दूसरे किसी पूरे हिंदुस्तान की इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी के अंदर नहीं है। उस मांग को हम जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो शिक्षा प्रणाली है और जैसे IIT NIT और राजस्थान की टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर है, वही हमारे कॉलेज के अंदर शिक्षा प्रणाली लागू हो और जो छात्रों का भविष्य होता है कंपनियों के अंदर अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए, वो इस विश्वविद्यालय के लापरवाही के कारण छात्रों का कैरियर बर्बाद होता है और छात्रों की ऐसी स्थिति है दो दो तीन तीन साल से फेल हो रहे हैं। जो डिग्री 4 वर्ष में होनी चाहिए वो 7-7, 8-8 साल में विश्वविद्यालय के लापरवाही के कारण होती जा रही है। आज आपने क्या किया? मैंने और हम सब छात्रों ने मिलकर पहले कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी विश्वविद्यालय जगा नहीं और हमारी कोई मांगे और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके आक्रोश में छात्रों ने पूरा MBM इंजीनियरिंग कॉलेज के हर फैकल्टी, हर क्लास और हर डिपार्टमेंट बंद कराकर MBM इंजीनियरिंग कॉलेज का गेट बंद कराया और वहाँ का हमारे सर आए, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हम बैठ के और जो एकेडमिक होगा उसमें बात करके समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। छात्र संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश पंचारिया, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।